थोड़ा जोर से बोलिए। अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया कि साल पाकिस्तान में पार्टी कल भी होगा वो साल के बाद आप आज देखिए शहर की चले थी पाकिस्तान के लोग क्या हाल है। तो हमने ये तकलीफ को देख के और अफगान साहब की मेहनत को करप्शन के खिलाफ जो उसने आवाज़ उठाई तो पाकिस्तानी कौन के लिए आवाज़ उठाई, जो इस गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई, जो करप्शन के टोले के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसको और इस तकलीफ को देख के और इस गरीब आवाम के पाकिस्तानी कौम की हालत देखकर तो हमने मेरे ज़मीर ने ये सोचा कि मुझे भी एक ऐसा फैसला दोस्तों के साथ करना चाहिए जिसमें ना ही किस तरीके शख्सियत को भी बात हो लेकिन इस पाकिस्तान की बात हो और पाकिस्तान की आवाम की बात हो। पाकिस्तान के जो मामला थे और बहुत सारे मामला थे उनकी बात है। इस वजह से हमने मैं थोड़ा सा आपको मीडिया से ये करता हुआ जरूर कि 21 साल के दौरान कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आने का मकसद ये था कि लोगों की खिदमत और संस्था की जो स्ट्रगल है शायद अलवी साहब को याद हो कि आज से जब पहले बुनियाद रखा गया था कि इंतखाबी निशान चला था इजरी के ग्राउंड के अंदर टूर्नामेंट चला था आपको याद होगा कि मैं आपके साथ था मेरी टीम सारी आपके साथ थी साथ जितने भी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा खुरम भाई के हल्के में भी पी एस 110 के अंदर और 111 के अंदर इमरान इस्माइल भाई को भी टेबल के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे। और बड़ी बात नहीं करते क्योंकि आवाम एक तब्दीली चाहती है क्योंकि मैं ग्रास रूट पर रह चुका हूँ। मैं आवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 24 घंटे काम ही आवाम के साथ है ना मैं करप्शन करने के लिए मैं आवाम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरे दोस्त मेरे पार्टी के वर्कर जो उदास और मायूस होकर बैठे हुए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर मायूसी की लहर है क्योंकि हम वहाँ से आए हैं। ये बात नहीं है कि किसी मुखालफत की या पीपल्स लेकिन उधर एक पट्टे पे एक ठेके के मुताबिक एक पीपल्स पार्टी को उन लोगों ने एक पट्टे के बुनियाद पे दिया हुआ है जो कि कोई नलवी आलम की सूरत में है कोई सईद गनी की सूरत में है कोई इकबाल खान की सूरत में है। तो इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का इस करप्शन करके और इस हल्के के अंदर जो करोड़ों रुपए के फंडिंग जो करोड़ों रुपए के बजट लगे हुए थे तो ये सब खा गए। और मैं एक और मीडिया के तवसुल से कहना चाहता हूँ कि आए मेरे साथ बैठे आए मेरे साथ बैठे आवाम की अदालत लगाते हैं। मैं सैयद नजमी आलम से भी कहता हूँ और उसके जो भगत बच्चा हैं जो हवारी हैं जो बीटर हैं जो बीटिंग का काम करते हैं जो कि ना ही कि कोई आवाम की खिदमत के ऊपर किसी आवाम के खातिर उन लोग कोई खिदमत का शऊर है वो कमाने के लिए आए हुए हैं वो इस पाकिस्तानी आवाम का पैसा चोरी करने के लिए आए हुए हैं। आए मेरे साथ साथ बैठे आवामी अदालत लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला सबको हम होंगे और हम तो पाकिस्तान देने के हिसाब में आए इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये कहता हुआ चलूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं क्योंकि कल तक की इमरान भाई ये खबरें थी और काफ़ी सारे दोस्त दिया कि शायद अकबर लाखो 21 साल का नजरियाती वर्कर है शायद हो सकता है ना जाए। रात से लेके बहुत सारे सिंध के कैबिनेटों के बहुत सारे लोगों के फोन आए लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि हम जिसके भी साथ रहते हैं फिर मुखलिस होकर रहते हैं। और अलहमदिल्ला मैं आप लोग तो भाइयों से भी आप मिलों से भी यही मेरी तवक्को है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला हर कदम हम किसी मतलब के लिए नहीं आए हुए ना मेरे साथ अलहमदिल्ला और भी हज़ारों के तादाद में इंशाल्लाह ताला देखेंगे 26 तारीख को ये हज़ारों के तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद करके